Peter, hey, hey. Alle sind Fan. Junkie Cowboy, Hemischen. पूरी चुनावी कवरेज और चुनाव से लेकर जीत तक की कवरेज, पल पल की कवरेज आपने देखी आईएसएन 7 न्यूज पे। और इस वक्त मैं मौजूद वार्ड नंबर 2 हूँ, सरिता देवी जी मेरे साथ वार्ड नंबर 2 की सभासद बनी है। और मैं आपको ये बता दूँ, जीत के नतीजे आ चुके हैं, हर घर में खुशियाँ बनाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, खुशी बहुत ज़्यादा है। सरिता देवी से बात करेंगे, जानेंगे वार्ड 2 की समस्या क्या क्या है और अब तक क्या रही है और अब क्या बदलाव आने वाले हैं। जी मैम, सबसे पहले हार्दिक बधाई है, शुभकामनाएं आईएसएन 7 की तरफ से। थैंक यू सो मच। सभा बन चुके हैं, 5 साल के लिए जनता ने फैसला ले लिया है, अपना प्रतिनिधि चुन लिया है, अब क्या चेंजेस और क्या बदलाव बने? सबसे पहले तो वार्ड नंबर 2 के सम्मानित जितने भी मेरे मतदाता हैं, उनको हाथ जोड़ करते हैं, दिल से नमस्कार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और इस पद तक पहुँचाया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और जिस उम्मीद से उन्होंने मुझे ये पद दिलवाया, भारी मतों से उन्होंने मुझे जीत दिलवाई है, उनकी जो जो भी उम्मीदें मुझसे है मैं उस पर खरी उतरूं। लगभग कितने मत से आप जीते? 288। थोड़े नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं 288 मत। वही मैं कह रही हूँ कि भारी मतों से जनता ने अपना प्यार मुझे दिया है, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि बस अभी ईश्वर से प्रार्थना है कि एक एक व्यक्ति वार्ड में घूमते हुए जो जो भी मैंने परेशानी लोगों की जानी है, मैं उन सभी का समस्याओं का जो नगर पालिका के वार्ड मेंबर के नाते जो भी सॉल्व कर पाऊँ, मैं बिल्कुल भरसक प्रयास करूंगी उनको सॉल्व करने का। जो मेरे तो आपने कन्वेंसिंग के दौरान क्या देखा, आपने परेशान है लोगों ने सबसे ज़्यादा आपसे क्या बताया? मैं कन्वेंसिंग के दौरान जहाँ जहाँ पर अपने वार्ड में घूमी हूँ तो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं कि सड़कों के किनारे रैलिंग बिल्कुल भी नहीं है, सड़कों पर इतना बुरा हाल, जगह जगह पर गड्ढे और फिसलने का इतना डर, किस प्रकार से लोग यहाँ पर सड़कों से इतनी क्षतिग्रस्त हैं कि सिर्फ उसकी मरहम पट्टी करके ही उसको छोड़ दिया जा रहा है और बन रही है, एक बरसात भी नहीं ढह पा रही है और झेल पा रही है, वो सड़कें बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो जा रही है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि चाहे हम थोड़ा काम करवाएं लेकिन उसकी काम की गुणवत्ता इस बार देखने को मिली मेरे पास, जांच पड़ताल की जाए बिल्कुल, चाहे मुझे खड़ा रहना पड़े वहाँ पर बिल्कुल समय समय पर। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मेरे को जनता ने बहुत ही प्यार दिया है तो मैं उनकी उम्मीद में बिल्कुल खरा उतरना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ पर भी काम होगा वहाँ पर खड़े रहकर तो उसका निरीक्षण करने की प्रयास करूँगा। टूरिस्ट पैलेस होने के नाते यहाँ तो काफ़ी व्यवस्थाएं चरमा रहनी नहीं चाहिए, तो व्यवस्था होगा, जायजा खुद लेके आना चाहिए, काफ़ी जायज यहाँ के हम लोगों से बात करते थे, लोगों से जानते थे चुनाव के दौरान, तो लोगों का भी ये कहना था दिक्कतें बढ़ी हैं, दिक्कतें घटी नहीं है, बढ़ गई। जिस प्रकार से ये टूरिस्ट प्लेस है तो इस प्रकार से देखिए, ये तो वार्ड मेंबर के अंतर्गत में ये कार्य एक नहीं आता, वो तो अध्यक्ष जी की जितनी भी वो यहाँ पर नहीं, वार्ड की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, वार्ड के अंदर जो समस्या आती, लोगों से मिलते थे कन्वेंसिंग के दौरान, आप मिल रहे थे तो इस तरीके से हम भी लोगों से जान रहे थे उन्हें परेशानियाँ क्या है। कुछ लोगों का ये कहना था सरकारी योजनाएं काफ़ी आती हैं, कभी हमारे पास नहीं आई, हमारे बच्चे छोटे स्कूल जो खुले हुए हैं वहाँ पर टीचर नहीं आते टाइम पर, यहाँ थैंक यू सो मच।